मैं योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन से और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप से। साथियों, मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। एक बात आपने बिल्कुल स्पष्ट सुन ली, इस संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठन बिल्कुल एक राय से ये बात कह रहे हैं, आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं कि ये तीनों कानून पूरी तरह से निरस्त किए जाएं। हमने कभी भी इसको छोड़ के कोई पोजीशन किसी ने नहीं ली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मीडिया में कई जगह पे रिपोर्ट हुआ किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा किया, हमने कड़ा नहीं किया, सरकार को शायद पहली बार सुनाई दिया है। हम तो पहले दिन से एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं, तीनों कानून हर हालत में वापस हो, एमएसपी की किसान को कानूनी गारंटी मिले, हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है, हमने अपनी मांग बिल्कुल नहीं बदली है, हम कोई कड़े या नरम बिल्कुल नहीं हुए हैं। किसान पीछे अडिग हैं तो किसान संगठन भी अडिग है। मैं केवल आपको भारत बंद के बारे में सूचना देना चाहता हूं। कई सूचनाएं हैं जो मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट किया गया है। मैं नाम से किसी का यहाँ पे इस मंच से जिक्र नहीं करना चाहता, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने झंडे छोड़ के किसान की हैसियत से हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, अब सिर्फ किसान का भी नहीं बचा, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। दूसरा, मैं विशेष तौर पे पत्रकारों की बात हुई, चंडीगढ़ के पत्रकारों का आपने जिक्र किया, मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको पता होगा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश के सबसे नामी गिरामी पत्रकार और एडिटर हैं, उन्होंने एक बहुत विशेष एडवाइजरी आज इशू की है। उन्होंने कहा है मीडिया को, मीडिया ने मीडिया को कहा है, कृपया इस आंदोलन को बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग बंद कर दीजिए, इसे खालिस्तानी कहना, उन्होंने बिल्कुल लिखा है, खालिस्तानी कहना, एंटी नेशनल कहना, इस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम ना करें, हमारा काम फेयर रिपोर्टिंग करना है। उन्होंने ये नहीं कहा आंदोलन का पक्ष लें, बस उन्होंने कहा फेयर रिपोर्टिंग करना हमारा काम है, इस तरह की चीजें ना करें। मैं एडिटर्स गिल्ड को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, बस हमें भी फेयर रिपोर्टिंग चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, बस आइए देखिए, अपनी आंख से देख लीजिए कितने आपको बिचौलिए मिलते हैं, कितने आपको मिलते हैं यहाँ पे, आप रिपोर्ट कर दीजिए, बस आंख से देख लीजिए, बस इतना ही हम अनुरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन को तमाम किसान संगठन एडिशनली सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात के तमाम संगठनों ने मिलकर, गुजरात खेडूत संघर्ष समिति ने एक विशेष बयान जारी किया है 8 तारीख की बंद को सपोर्ट करते हुए, महाराष्ट्र से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आज विशेष वीडियो अपील जारी किया इसका सपोर्ट करते हुए, तमाम विद्यार्थी युवा और महिला संगठन और लेखकों के संगठन इसके पक्ष में आए हैं, व्यापारियों ने विशेष अपील की है, 2-4 मैं आपके सामने बता देता हूँ, सारी सूचना आ रही है, आप लोगों की तरह तेजी से हम सूचना इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के उद्योग व्यापार मंडल ने और देवभूमि व्यापार मंडल उत्तराखंड, इन दोनों ने 8 तारीख के बंद का पूर्ण सपोर्ट किया है, तो उत्तराखंड के सारे व्यापारी 8 तारीख को बंद ऑब्जर्व करेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों में 8 तारीख को सारी की सारी मंडियां बंद रहेंगी। राष्ट्रीय आढ़ती व्यापार संघ जो है उसने भी इस 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट करते हुए इन तीन राज्यों में पूरी मंडियां बंद करने की घोषणा की है। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने भी घोषणा की है इसको बंद करने की, हरियाणा के तमाम उद्योग व्यापार संगठन ने घोषणा की 8 तारीख को बंद को स्वीकार करने की। मध्य प्रदेश व्यापार मंडल ने भी ये घोषणा की है, ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले ही घोषणा कर चुकी है इसके समर्थन की, तमाम तरफ से सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ किसान का आंदोलन, पहले सरकार कहती थी सिर्फ पंजाब के किसान का, फला पार्टी का आंदोलन है, अब पार्टी भूल गए, अब किसान भूल गए, अब पंजाब भूल गए, अब सब देश के लोगों का आंदोलन बन रहा है। और कल तो मैंने सुना है कि मंत्री जी ने भी कह दिया कि आपका आंदोलन बहुत सकारात्मक आंदोलन है,
मंत्री जी अपने साथियों को बाहर भी बता दो, जो बाहर का वफा फैला रहे हैं उनको भी बोल दो कि कैसी भाषा में बोलना है। तमाम तरफ से समर्थन आ रहा है। मैं दोहराऊंगा जो अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें पंजाबी में कही। 8 तारीख का बंद, संपूर्ण भारत बंद रहेगा। इसमें बंद शुरू सुबह से शुरू हो जाएगा, दूध सब्जी जो पहुंचाई जाती है सब कुछ बंद रहेगा। चक्का जाम 3 बजे तक रहेगा, चक्का जाम सिर्फ 3 बजे तक रहेगा, बाकी संपूर्ण भारत बंद रहेगा। मैं देश के, क्योंकि हमारा संगठन, पता नहीं कौन कौन संगठन की आवाज कहां कहां तक पहुंच पाएगी, उसकी सीमा है। आपके माध्यम से, आप मीडियम हो, मीडिया हो, आपके माध्यम से देश के सब लोगों को, जो किसान हैं उन्हें, जो किसान परिवार से हैं उन्हें, जो किसान के हितैषी हैं उन सबको हम अपील करना चाहते हैं, ये आपका बंद है। इसको करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे किसी को भी शिकायत का मौका मिले। प्रधान जी ने विशेष रूप से जिक्र किया एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को, तो हम इससे बाहर रखेंगे ही। ये उत्तर भारत में शादी का मौसम है, अगले 4 दिन और शादी का मौसम चलेगा, तो शादियों को हमने विशेष रूप से एग्जेम्पशन दिया है ये स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में पूरे साल भर से रुकी हुई शादियां इन 15 दिन में हो रही है, तो हमने शादियों के लिए भी एग्जेम्पशन दिया, छूट दी है, उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं होगा। और ये बंद एक महान भारत बंद के रूप में पेश होगा, देश के सामने आएगा।